أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कहिए कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि सब को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको हलीम बनाना बता रही हूँ। आप लोग फरमाइश कर रहे थे रमज़ान में नहीं हो सका हो, अब मैं बनाना बता रही हूँ। देखिए आप सब में आसान तरीक़े की हलीम है ये बनाने की, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है बनाना इसको। अब सब में आसान तरीक़े का जो है मैं वो आपको बता रही हूँ। ये हलीम बनाने के लिए देखें, ये देखिए घी का रवा है, ये दो कप है, दो कप है, ये पाव किलो गोश्त है। आप जितना खाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं, कोई उसका वो नहीं है, अपनी अपनी मर्जी की बात है। ये एक कप दूध है और ये एक चाय का चम्मच मिर्ची पाउडर है, ये बड़ा सालन का चम्मच अदरक लहसुन है, ये एक कप दही है मीठा दही, ये हरे मिर्चियाँ हैं उसमें हली में डालने के लिए, और ये छोटी प्याज की डली है, ये एक नींबू है, और तलने के लिए और भी प्याज है, ये गरम मसाला है, देखिए ये छोटा चाय का चम्मच शाजीरा है, और ये दालचीनी का पत्ता है, ये 8-10 इलायचियाँ हैं, 4 लौंग है, और ये 4 कवाब चीनी है, ये 10-15 बादाम है, ये देखिए ये तेज पत्ता है, ये पत्थर का फूल है, ये बड़ा चम्मच धनिया है, एक बड़ा चम्मच चने की दाल, एक बड़ा चम्मच मांस की दाल, एक चम्मच मसूर की दाल है, और ये घी है बनाने के लिए, जितना आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। तो ये है हलीम बनाने का सबसे आसान तरीका, बाकी के और बहुत भी मुश्किल है, आपको आसानी से बनाने वाली हलीम बता रही हूँ मैं, किस तरह बनाना है मैं आपको बताती हूँ अभी। अब इसमें क्या क्या, बोलो देखिए, ये सब चीजों को पहले धो के सुखा के रख दिए, तो भाई ये सब चीज, ये मसाले वगैरह दाल वो सब, अब इसको अब मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ, बताओ डाल के पीसना है। ये रवा है ये 2 कप, ये सब मिला के इसका पाउडर बना लेंगे, पीस लेंगे ग्राइंडर में। ये देखिए अब ये सब चीजें जो थे ना वो सब चीजें पीस लिए, मसाला वो गेहूँ सब चीज़ों को डाल के एकदम पीस लिए, और ये घी है, ये घी 1 चम्मच इसमें डालेंगे कुकर में,
अब ये प्याज, ये हरे मिर्चियाँ और ये प्याज डाली। अब ये एक चम्मच मिर्ची है, मिर्ची डाली। ये एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन है। ये काली मिर्ची है, काली मिर्ची पाउडर। ये दो चम्मच नमक, अब देखिए ये जो पीसे ना, ये सब इसमें डाल देंगे ग्राइंडर में, जो पीछे। ये दही डालेंगे, ये दूध है जैसे, तीन कप पानी डालेंगे गलने के लिए। ये दो गिलास पानी है। कुकर में सब डाल दिए, अब इसको पकाना है 15 मिनट तेज बत्ती पे पकाना है और 15 मिनट धीमी बत्ती पे, तो ये कुकर बंद कर देंगे। हलीम बन गई, अब इसको जरा ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पीस लेंगे, फिर उसके बाद इसको पीस के फिर उसके बाद उसको प्याज वगैरह तल के उसको सजा देंगे। आपकी मर्जी, घोटना है तो इसको दाल घोटनी से घोट लीजिए, या नहीं तो ग्राइंडर में पीस लीजिए। तो गोश्त वगैरह सब, बादाम, काजू सब चीजा पीसे जाते। अब इसको थोड़ा हल्का सा पीस लेंगे। आपकी मर्जी है, या दाल घोटी से घोटिए या ग्राइंडर में पीस लीजिए। अब इसको ये घोट लिए, अब इसको 5 मिनट तक जरा पकाएंगे, उसके बाद इसको प्याज से, कोथमीर पुदीने से ऊपर, काजू बादाम से सजा देंगे। हलीम तैयार हो गए। इसके अंदर पहले भी डाले 2 बड़े चमचे घी, अब ये भी।
ये हैदराबादी हलीम तैयार हो गई, मजेदार टेस्टी। आप खा के देखिए, बना के देखिए, बना के खा के देख के मेरे को वीडियो कैसा है आप लिख कर बताइए। ये बहुत ही मजेदार है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है, बहुत कम टाइम में। या इसको ऐसा सजा देंगे, ये प्याज है, तली हुई प्याज है, ये हैदराबादी सबकी पसंद की हलीम तैयार है। या इसको ऐसा सजा देंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार, कम टाइम में बन जाती है। आप खा, आप बना के खाइए, फिर उसके बाद मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला आपको जरूर पसंद आएंगी। आप सब्सक्राइब कीजिए और बना के खाइए, इसको बहुत ही ताकत और जिस्म को ताकत कुव्वत देती। क्या बोलूंगी आपके सब के फरमाइश से मैं ये हलीम बना के आपको पेश कर रही हूँ। आप बहुत ही ताकत बख्श और कुव्वत वाली चीज है, आप बना जरूर बना के खाइए और मुझे लिख कर बताइए कि ये वीडियो कैसा है। इंशाल्लाह ताला आपको जरूर पसंद आएंगी हैदराबादी हलीम। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।